अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इंस्पायरिंग सैयद मसरूर। आपका रवैया, आपका एटीट्यूड, यही आपकी ज़िंदगी में कामयाबी या नाकामी का ज़रिया बनता है। और यकीन माने कि हमारी आखिरत भी इसी पर डिपेंड करती है कि हम अपनी ज़िंदगी में हमारे क्या एटीट्यूड्स हैं और क्या बिहेवियर्स हैं। थोड़ा सा बता देता हूँ कि एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स क्या हैं। एटीट्यूड्स ये हैं कि जो भी आपकी फीलिंग्स बैक एंड पे डेवलप हो रही होती हैं, आपकी सोचें डेवलप हो रही होती हैं और आपकी परसेप्शंस डेवलप हो रही होती हैं, ये आपके एटीट्यूड्स हैं। और जब आप उन एटीट्यूड्स को एक्शंस में कन्वर्ट करते हैं कि आपने उन फीलिंग्स को, उन परसेप्शंस को, उस थॉट प्रोसेस को, उन थॉट पैटर्न्स को फॉलो करते हुए आपने कोई एक्शन लिया, तो फिर वो एक्शन जो है वो आपके बिहेवियर्स बन जाते हैं। तो ये ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने एटीट्यूड्स को अच्छे तरीके से बिल्ड करें और उसके बाद ताकि आपके बिहेवियर्स, आपके एक्शंस भी अच्छे हों। अब जब हम ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं, लोगों को अनबोर्ड कर रहे होते हैं, लोगों को हायर कर रहे होते हैं, तो इंटरव्यू प्रोसेस में जो मेन चीज़ देखी जाती है वो आपका एटीट्यूड है कि आपका एटीट्यूड क्या है, आपने किस तरीके से पहले रोज़ में काम किया। और फिर वो साइकोमेट्रिक टेस्टिंग हो रही होती है, इस तरह के टेस्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, आपके जो इंटरव्यू पैनलिस्ट से पूछ रहे होते हैं, ताकि वो ये डिटरमिन कर सकें कि आपका रवैया क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है। कहते हैं कि यू हायर फॉर द एटीट्यूड, यू पे फॉर द परफॉर्मेंस एंड यू ट्रेन फॉर द स्किल। तो आपकी हायरिंग हमेशा आपके एटीट्यूड को डिटरमिन करते हुए होती है। टेक्निकल साइड को भी देखा जाता है लेकिन एटीट्यूड ज़्यादा मैटर करता है। जो एम्प्लॉयर्स हैं या जो स्पेशलिस्ट हैं या मैनेजमेंट गुरुज हैं, वो ये बात करते हैं कि आपकी स्किल लेवल को ज़्यादा किया जा सकता है, अप स्किलिंग हो सकती है, री स्किलिंग हो सकती है, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है ट्रेनिंग्स के ज़रिए, मेंटोरिंग के ज़रिए, ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स के ज़रिए, लेकिन आपका जो एटीट्यूड है उसको बदलना बहुत मुश्किल है। और ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना टाइम भी नहीं होता मैनेजर्स के पास कि वो आपके एटीट्यूड्स पे काम करते रहेंगे साल साल। मैं भी आपकी वो काउंसलिंग करेंगे, आपकी मेंटोरिंग करेंगे, थोड़ा बहुत समझाएंगे आपको, लेकिन इतना टाइम नहीं होगा कि किसी एक बंदे को फोकस करके वो चल जाएंगे। तो आपका एटीट्यूड फिर वो कैसे और डिटरमिन करते हैं कि आपके पिछले बॉसेस से, प्रीवियस एम्प्लॉयर्स से या सुपरवाइजर से फीडबैक ले रहे होते हैं कि आप करविया क्या था, आप टीम प्लेयर थे, आप नेगेटिव थे, आप ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़ को मानते थे, नहीं मानते थे, टीम के साथ मिलके काम करते थे, नहीं करते थे। तो वो मुख्तलिफ चीज़ें पूछ रहे होते हैं आपके बारे में, और ये ख़ासकर क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं रेफरेंस चेक में या फीडबैक में कि क्या आप इनको दोबारा हायर करेंगे अगर अपॉर्चुनिटी दी जाए। तो ये बड़े सख्त क्वेश्चंस हैं अगर आप इनको समझें तो। और जो प्रोफेशनल सुपरवाइजर्स हैं या एम्प्लॉयर्स हैं, यकीन माने वो बिल्कुल सही फीडबैक दे रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, आप इसके बारे में बताएं, क्योंकि ये एक इमानत भी है कि अच्छा फीडबैक दिया जाए। और एक और जो ख़ास बात आप नोट करने की है कि वो अगर आपकी हायरिंग हो भी गई है और पता नहीं चला है एम्प्लॉयर को, लेकिन अगर आपका रवैया बुरा है, आपका एटीट्यूड बुरा है, तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन आपको कुछ देर तक बर्दाश्त करेंगी और आपसे कहेंगी कि आप अपना रवैया तब्दील करें। लेकिन अगर आप अपना रवैया तब्दील नहीं करते तो वो कोशिश करेंगे कि आपसे जान छुड़ा लें। तो इससे पहले कि इस बात की नौबत आए कि आपसे जान छुड़ाई जाए और मैनेजर्स या सुपरवाइजर्स या एम्प्लॉयर्स आपको एक प्रोसेस के थ्रू एलिमिनेट करें, तो आप अपने रवैये पे काम करें। अगर आप समझते हैं कि आप नेगेटिव हैं, आप टीम प्लेयर नहीं हैं, आप चीज़ों को एक्सेप्ट करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, आपके रवैये में लचक नहीं है, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत वीक है, इन चीज़ों पे आप ज़रूर काम करें। अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे ज़रूर काम करें, अपने ज़ात के बारे में जानें, सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो इस अप्रोच से होगा ये कि आप अपने रवैये पर काम कर रहे होंगे और आप अपने आप को उस सिचुएशन से बचाएंगे जहाँ पे एम्प्लॉयर या सुपरवाइज़र आपसे जान छुड़ाएगा। यकीन माने कि आप कुछ भी कर लें, मैंने बड़े बड़े प्रोफेशनल्स को देखा जो अपने आप को गुरु मानते थे और जो कहते थे कि वो इतने इंडिस्पेंसेबल हैं कि उनके बगैर ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती, एम्प्लॉयर्स ने उनको फायर किया और इतना जल्दी उनको निकाला कि उनको ख़ुद भी समझ नहीं आई। तो एक और प्रॉब्लम ये होता है कि जो लोग ज़रा टेक्निकली साउंड हो जाते हैं, जिनकी अचीवमेंट्स हो जाती हैं, तो उनका दिमाग भी ख़राब हो जाता है,
उनके अंदर से एमिरिटी और हम्बलनेस चली जाती है। उसका नुकसान ये होता है कि वो अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि अपने सर में कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं। तो अपने कैरियर को बिल्ड करने के लिए अपने रवैये पे ज़्यादा काम करें, अपनी पर्सनालिटी पे ज़्यादा काम करें, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पे ज़्यादा काम करें, साथ साथ कि आप टेक्निकल साइड को भी स्ट्रांग कर रहे हों, क्योंकि दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी। टेक्निकल साइड ज़रा वीक होगी तो उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, एटीट्यूड को इम्प्रूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक वीडियो थी जो मैं आपके लिए बनाना चाह रहा था कि या तो अपने रवैये को तब्दील कर लें या तैयार हो जाएं कि एम्प्लॉयर आपको फिर निकाल देगा, एलिमिनेट कर देगा। मुझे उम्मीद है कि आई हैव ट्राई टू गिव अ वेरी क्लियर मैसेज टू माई फेलो प्रोफेशनल्स। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह आपको कामयाबी से अमकनार करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।